का में मना रहे हैं। भाइयों और मानो स्थापना दिवस जब हम मना रहे हैं तो स्थापना काल में जिनका योगदान है उनको नहीं भूला जा सकता। इस अवसर पर स्वर्गीय राजू बाबू का नाम बगैर लिए हुए स्थापना दिवस को पूर्ण नहीं कहा जा सकता, इसलिए उनको नमन करता हूँ। और आज आपने शेखपुरा के इस ग्राउंड मैदान में आपके 13 स्टॉल लगे हैं लगभग, और 13 स्टॉलों के माध्यम से चाहे हमारे किसान हैं, चाहे हमारे नौजवान हैं, चाहे हमारे मजदूर हैं, चाहे हमारे छात्र हैं, छात्रा हैं, या जो भी इस कार्यक्रम में यह जिला किस ऊंचाइयों पर गया है और किस ऊंचाइयों पर जा रहा है इससे इनकार नहीं किया जा सकता। सब लोग अगर घूमेंगे तो पूरी बात उनको पता चल जाएगी, और वहाँ पर अधिकारी हमारे बैठे हुए हैं, जानकारी भी देंगे और कुछ आपको लिफलेट भी देंगे, कुछ पुर्जा भी आपको देंगे, जिससे घर जा कर के भी आप समझ सकते हैं। तो हम कहाँ से शुरू करें, हमारे पदाधिकारियों ने और यहाँ के हमारे जनप्रतिनिधियों ने, चाहे हमारे विधायक हों, चाहे हमारे सांसद हों, चाहे हमारे विधान परिषद के सदस्य हों, चाहे हमारे मुखिया जी हों, जिला परिषद हों, चाहे हमारे पंचायत समिति के सदस्य और वार्ड मेंबर हों, सरपंच हों, उनका जो योगदान है, उनका जो सहयोग है, उसके लिए उनके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ। इस जिले को उन्होंने ODF करने का आज ऐलान किया और पूरे जिले में सभी घरों में शौचालय का निर्माण हो गया। अब अभी सभी लोग अपने शौचालय का उपयोग करेंगे, इसके लिए उनके प्रति हम आभार प्रकट करते हैं। कि बिहार का दूसरा जिला आज ODF हो रहा है। पहला जिला सीतामढ़ी है और दूसरे नंबर पर हमारा शेखपुरा है। तीसरे चौथे नंबर पर भी जिले हैं, रोहतास हैं, मुंगेर हैं, नालंदा है, खगड़िया है, ये सब जो जिले हैं ये तीसरे चौथे पांचवें नंबर पर हैं। लेकिन अगर नंबर दो लिया तो उसका नाम शेखपुरा है, उसमें जनप्रतिनिधियों का सारा योगदान है। बात यह है कि आखिर ये ODF करने की जरूरत क्या पड़ी, इसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। आज बिहार में अखबारों में आप लोग भी पढ़ते होंगे, बिहार में हर साल 15 लाख लोग कैंसर रोग से पीड़ित हो रहे हैं। तो आप सोच लीजिए, जिसको कैंसर का बीमारी पकड़ लेगा वो आदमी जिंदा रहेगा या खुदा में आके कहाँ जाएगा उसको कोई नहीं बता सकता। लेकिन अगर बड़े लोग हैं, पैसे वाले हैं, उनकी लाइफ 3-4 महीना रहती है जिनको कैंसर हो जाता, और जो गरीब लोग हैं 1 से 1.5 महीना में विदा हो जाते हैं धरती पर से। इसलिए बड़ी बीमारियों का अगर जन्म हो रहा है तो ये बाहर में जो शौच है, बाहर में जो गंदगी है, इसके चलते बड़ी बीमारियों का जन्म हो रहा है। एक आंकड़ा हमने किसी अखबार में देखा था कि पूरे देश में, भारत में जो गंदगी है उससे 7 लाख बच्चे जन्म लेने के 28 दिन के अंदर वो दुनिया से चले जाते हैं। ये गंदगी से इतनी परेशानी है कि हमारे न बच्चों को छोड़ता है ये गंदगी, न हमारे बड़े को छोड़ता है, न हमारे ये गंदगी न किसान को छोड़ता है, न मजदूर को छोड़ता है, न नौजवान को छोड़ता है, न विद्यार्थी को छोड़ता है, न महिला को छोड़ता है, न पुरुष को छोड़ता है। और उस सर्वे में हमने ये भी देखा कि 15 लाख बिहार में जो कैंसर रोग से पीड़ित हो रहे हैं उसमें आधा से अधिक महिलाएं हैं। ताकि ये महिलाएं कैसे हो रही हैं, उसके क्या कारण है, तो कारण में ये पता चला कि महिला को शौच करने के लिए शाम का अंधेरे का इंतजार करना पड़ता है, और सुबह में भी महिलाओं को अंधेरे का इंतजार करना पड़ता है, अंधेरे में शौच जाती है, और बीच का जो समय है उसको दबाए रखने के कारण ये बीमारियां सारी पैदा हो रहा है। एक बड़ी बीमारी का हमने नाम लिया, और ये शेखपुरा जिला में मुझे भरोसा है, विश्वास है कि जिस काम को आपने किया है, स्वच्छता को अपनाया है,
उपयोग हमारा शुरू हो जाएगा तो ये से पूरा जो जिला सिर्फ बीमारियों से मुक्त नहीं होगा, लाचारी और परेशानी से भी हम इसको मुक्त करने में हम कामयाब हो जाएंगे। ये काम हमारे जनप्रतिनिधियों ने और हमारे अधिकारियों ने मिलकर किया है। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ शौचालय बनाना नहीं है, हमारा मकसद सिर्फ ओडीएफ करके छोड़ देना नहीं है, हमारा मकसद है व्यवहार में परिवर्तन का। और जब तक हम व्यवहार में परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक हमारा ओडीएफ का सही मकसद नहीं निकल पाएगा। इसलिए भाइयों और बहनों आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि हमारे जिला परिषद के उपाध्यक्ष ने कहा कि हम रोकेंगे टोकेंगे, अगर हर आदमी अगर इस तरह का संकल्प लेके जाएगा तो 100% शौचालय का उपयोग होगा और हम जो लाचारी और परेशानी में गाढ़ी कमाई का 90% पैसा जो खर्चा कर देते हैं बीमारियों पर दवाइयों पर, वो हमारा 90% पैसा हमारी तरक्की पर, हमारा विकास पर, हमारे बच्चों के भविष्य के निर्माण पर जाएगा अगर हम सब लोग संकल्प लेके जाएंगे। तो मुझे विश्वास और भरोसा है कि हम लोगों ने आज ओडीएफ किया है, हमारे जिला परिषद के अध्यक्ष जी ने आज घोषणा किया है, इसको हमको कामयाब रखना है और सिर्फ और सिर्फ शौचालय का उपयोग ही नहीं करना है बल्कि व्यवहार में हमें इसे परिवर्तन करके भी दिखाना है ताकि लोग किसी भी राज्य से, किसी भी देश के किसी भी कोने से लोग आवे और से पूरा आकर के घूमे तो समझे कि यह जिला ओडीएफ हो चुका है। यही इस अवसर पर हुए हैं, बच्चों से भी अनुरोध करेंगे कि बच्चों अपने जीवन में स्वच्छता को अपनाओगे कभी बीमारी तुम्हारे पास नहीं आएगा और जब बीमारी नहीं आएगा तो आप स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ आदमी ही स्वस्थ समाज की स्थापना कर सकता है। यही आपसे मैं कहना चाहता हूँ। छात्रों के लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ, हमारी सरकार बिहार में जो काम कर रही है उसका लाभ हमारे छात्रों को भी मिल रहा है। जिसके घर में बेटियाँ पैदा होती है उनके बच्चे पैदा होने पर हम 2000 रुपया उनके अभिभावक के खाते में देते हैं और आधार का निर्माण अगर उन बच्चों का हो जाता है तो 1000 रुपया फिर उनको हम देते हैं और अगर वो टीकाकरण का काम पूरा कर लेते हैं, अभिभावक उनको बच्चों का करा देते हैं तो फिर 2000 रुपया हम बच्चों के जन्म पर देते हैं। तो 5000 रुपया कोई बच्ची जिसके घर में जन्म होती है उनको भी हम देने का काम करते हैं। हमारी सरकार हर क्षेत्र में काम कर रही है और ये सिर्फ बच्चियों के जन्मदिन पर ही पैसा हम नहीं देते हैं, इससे आगे आंगनबाड़ी में पढ़ाई के लिए जाएगी वहाँ भी पोशाक के लिए पैसा हम 600 रुपया देने का काम करते हैं। पहले 250 मिलता था, अब 400 रुपया बिहार की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया। इसी प्रकार बच्चे अगर प्राइमरी स्कूल में जाएंगे उनको भी पोशाक के लिए 600 रुपया मिलेगा, आगे बढ़ेंगे तो 700 मिलेगा, आगे बढ़ेंगे तो 800 मिलेगा, आगे बढ़ेंगे तो 1000 मिलेगा और आगे बढ़ेंगे तो 1500 रुपया हम लड़कियों के पोशाक के लिए भी सरकार की तरफ से देते हैं। मध्याह्न भोजन अलग है और भी कॉपी किताब अलग है, इन चीज़ों पर भी हमारा फोकस है कि हम कैसे अपनी बेटियों को पढ़ाएं, कैसे हम अपने बच्चों को पढ़ाएं। जब 9वीं क्लास में पढ़ने हमारी बेटियां जाती है उनको भी साइकिल की योजना से पैसा देते हैं और अगर हमारे बेटे भी पढ़ने के लिए जाते हैं तो उनके लिए भी सरकार की तरफ से 2500 रुपया मिलता है। जब इस योजना को शुरू किया था बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी 2007 में शुरू किया था तो 1,70,000 लड़कियाँ पढ़ती थी 9वीं क्लास में और 2018 में जो साइकिल योजना का लाभ बिहार की लड़कियों को मिला, 9वीं क्लास में पढ़ने वाली बेटियों को मिला, उसकी संख्या 15 लाख के लगभग पहुंच गया। ये बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन हुआ। और शुरुआती दौर में बच्चों को लड़कों को नहीं मिलता था, 2 साल के बाद हमने वहाँ भी शुरू किया लड़कों के लिए और लड़कों को जो साइकिल योजना का लाभ बिहार में मिला 2018 में लगभग 15.5 लाख के करीब हमारे लड़कों को भी साइकिल योजना का मिला और 9वीं क्लास में आज के तारीख में पढ़ने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या 30.5 लाख से भी ज़्यादा पहुंच गया। ये सरकारी स्कूल के आंकड़े हैं, प्राइवेट में हमारे पढ़ रहे उसके आंकड़े अलग हैं। लेकिन हमने जो बिहार में जो गरीब लोग हैं, जो गांव में रहते हैं, जो शिक्षा से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए हमने योजना चलाया
और गांव के बेटा और बेटियों को एक समान, छोटा और बड़ा को एक समान करने का हमने काम किया, ताकि हमारी बेटियां स्कूल जाए, हमारे बच्चे स्कूल जाए, तालीम पाए, ये हमारे सरकारी आंकड़े हैं। लेकिन नीचे के आंकड़े बहुत हमारे अच्छे हैं। हमने 23.5 लाख एक क्लास में बच्चों के बारे में आपको बताया, लेकिन आपसे मैं कहना चाहता हूँ, इंटर से आगे जो हमारा शिक्षा का जो ग्राउंड रेट है वो बहुत अच्छा नहीं है। इंटर से आगे बिहार का शिक्षा का ग्राउंड रेट मात्र 14.4% है। 14.4% अगर शिक्षा का ग्राउंड रेट रहेगा बिहार में इंटर से आगे, तो हम दुनिया के कंपटीशन के मार्केट में हम खड़ा नहीं हो सकते। राष्ट्रीय औसत शिक्षा का 25% है। जब तक राष्ट्रीय औसत के बराबर हम बिहार को शिक्षा के क्षेत्र में नहीं ले जाएंगे, तब तक हमारा बिहार विकसित प्रदेश के श्रेणी में और दुनिया के कंपटीशन के मार्केट में हम खड़ा नहीं हो सकते। इसलिए यहाँ पर उपस्थित सभी भाई और बहनों से मैं कहना चाहता हूँ, हम सब लोग मिलकर के शिक्षा की जोत जलाया है और इसको प्रकाशित करने का काम है। और माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा किया है कि 2020 तक हमारा शिक्षा का ग्राउंड रेटिंग जब से आगे 25% होना चाहिए। इसके लिए हमें काम करना है। सब लोग लगेंगे, सब लोग इसमें मिलेंगे, सब लोग मेहनत करेंगे, तो 25% हम पहुंचाएंगे।